चलिए बात करते हैं दोस्तों आज अपने इस वीडियो में कि सारे गामा पा के ग्रैंड फिनाले में क्या क्या हुआ, कितने परफॉर्मेंस हुए, कौन बना है विनर, कौन रहा रनर अप और किसे क्या प्राइज मनी के रूप में मिला है और किसने क्या क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया है, सारा कुछ आज हम जान पाएंगे दोस्तों अपने इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। जो भी सारेगामा पा से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं जिन्होंने कि अभी तक सारेगामा पा को बहुत करीब से देखा है, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रैंड फिनाले के दौरान में क्या क्या हुआ है, तो सारा कुछ आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सारेगामा पा के ग्रैंड फिनाले के बारे में जो कि 6 मार्च को हुआ, जिसमें कि तमाम मेहमान कलाकार, जूरी मेंबर, जजेस सभी मौजूद थे और उन सबों की मौजूदगी में हमारे कुल 6 कंटेस्टेंट ने अपना जबरदस्त और लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाया। बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस की, तो पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए शरद शर्मा आते हैं और जोरदार तरीके से उनकी ग्रैंड एंट्री होती है। एक बहुत बड़े घोड़े के ऊपर में वह स्टेज के ऊपर में एंट्री कर दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद शरद शर्मा ने कुल 3 परफॉर्मेंस को अंजाम दिया है, जहां पहला गाना सहरा बांध के आया रे, इस गाने के ऊपर में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया और उनका गेटअप भी दोस्तों सहरा पहना हुआ ऐसा दिखाई दे रहा था और काफी खूबसूरत वह नजर भी आ रहे थे। तो वहीं दूसरा गाना फिल्म पुष्पा से तेरी झलक असरफी, इस गाने के ऊपर में उन्होंने एक अलग ही स्टाइल में और अलग ही एक्ट के रूप में प्रेजेंट किया और उन्होंने भी पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन के सिग्नेचर स्टाइल को प्रेजेंट किया है दोस्तों, जो कि देखकर सबों को बहुत मजा आया। तो वहीं तीसरा गाना बद्री की दुल्हनिया, इस गाने को उन्होंने प्रेजेंट किया और तीनों ही गाने बड़े ही धमाकेदार तरीके से थे। उसके बाद में शरद शर्मा की दुल्हनिया की स्टेज पर एंट्री होती है और बहुत मजा आता है। बावजूद उसके बात करें दूसरे कंटेस्टेंट की, तो दूसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नीलांजना रे आती हैं, जिन्होंने कि 3 खूबसूरत से गाने को परफॉर्म करके मानो सबों के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली हो, जहां उन्होंने पहला गाना तुम्हें कितना चाहने लगे हम, वहीं दूसरा गाना हाई चक्का चक्का, इस गाने को परफॉर्म किया हुआ भी डांस स्टाइल के साथ में प्रेजेंट किया, तो तीसरा गाना परम 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 सुंदरी, इस तीनों ही गाने को दोस्तों नीलांजना ने बहुत खूबसूरती के साथ में परफॉर्म किया और साथ ही साथ उनकी जो एंट्री की गई थी वो भी बहुत ही ग्रैंड तरीके से की गई थी और उनके साथ में स्टेज पर तमाम को स्टार मौजूद थे, जिनके साथ में कि डांस परफॉर्मेंस करते हुए नीलांजना ने अपने सभी परफॉर्मेंस को अंजाम दिया। बात करते हैं अपने तीसरे परफॉर्मेंस की, जो रहा संजना भट्ट के नाम, तो संजना भट्ट ने भी दोस्तों बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है और उनकी स्टेज के ऊपर में बहुत बड़े तरीके से ग्रैंड एंट्री की जाती है, बहुत बड़ा उनका एक फ्रेम बनाया जाता है जिसके ऊपर में बैठ के संजना भट्ट आती हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। बात करें परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने भी 3 परफॉर्मेंस को अंजाम दिया, जिसमें पहला गाना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, जो कि उनका बहुत ही फेवरेट गाना था दोस्तों, उसे इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में परफॉर्म किया। वहीं दूसरा गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, इस गाने को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ में परफॉर्म किया। वहीं तीसरा गाना प्रेम रतन धन पायो, इस गाने के ऊपर में वह डांस परफॉर्म भी करती हुई नजर आई, तो सारेगामा के मंच पर संजना भट्ट की जबरदस्त तारीफें हुई हैं दोस्तों। सभी जजेस ने, जूरी मेंबर ने, सबों ने बहुत जम के एंजॉय किया है। बात करें अगले परफॉर्मेंस की, तो अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए स्निग्धजीत भौमिक आते हैं, जिन्होंने कि एक रॉक स्टार के रूप में अपनी एंट्री की है और उन्होंने आके स्टेज पर तो मानो समा ही बना डाला हो। उन्होंने कुल 6 गाने को परफॉर्म किया दोस्तों और वह बप्पी लाहिरी जी को अपना फेवरेट मानते थे और उनको सपोर्ट करने के लिए ग्रैंड फिनाले में बप्पी लाहिरी जी की वाइफ भी आती हैं। और बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो जहां पहला गाना याद आ रहा है तेरा प्यार, इस गाने को उन्होंने परफॉर्म किया, तो दूसरा गाना तम्मा तम्मा लोगे, तो वहीं तीसरा गाना उलाला उलाला, चौथे गाने की बात करूं तो आई एम ए डिस्को डांसर, पांचवा गाना चाहे थोड़ा प्यार तेरा प्यार चाहिए, इस गाने को उन्होंने परफॉर्म किया, और लास्ट और आखिरी गाना जो था हरी ओम हरी,
इस गाने को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में और डांस परफॉर्मेंस के साथ में इस गाने को प्रेजेंट किया है दोस्तों। जिसके बाद इसके बाद फिर विशाल ददलानी जी की एंट्री होती है और उन्होंने भी 4-5 गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ में और एनर्जी के साथ में परफॉर्म किया। जहां पहला गाना 10 बहाने करके ले गए दिल, इस गाने को प्रेजेंट किया, तो वहीं दूसरा गाना झलक दिखला जा, तो तीसरा गाना झूम बराबर झूम, तो चौथा गाना घुंघरू टूट गए, इस गाने को प्रेजेंट किया और साथ ही साथ बेबी को बेस पसंद है। ये सभी गाने विशाल ददलानी ने बहुत ही एनर्जी के साथ में और जबरदस्त रॉकिंग अंदाज में प्रेजेंट किया दोस्तों। अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अनन्या चक्रवर्ती आती हैं, जिन्होंने कि एक बार फिर से वहां का बना डाला, साथ ही साथ सबों के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली, जहां उन्होंने पहला गाना कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, इस गाने को प्रेजेंट किया, तो वहीं दूसरा गाना फिल्म गंगूबाई से डोलीरा डोलीरा, इस गाने को प्रेजेंट किया, जिस पर सभी डांस करने लगे, तो वहीं तीसरा गाना फिल्म पुष्पा से सामी सामी, इस गाने को परफॉर्म करके सबों को डांस करने के लिए मजबूर कर डाला। इतनी खूबसूरती के साथ में अनन्या ने अपने सभी परफॉर्मेंस को निभाया दोस्तों। इसके बाद में होती है आदित्य नारायण के एक जबरदस्त स्टंट की बारी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सेमीफिनाले के दौरान में आदित्य नारायण और विशाल ददलानी जी के बीच में एक चैलेंज होता है कि विशाल जी अगर अपने बालों को कलर करेंगे तो आदित्य नारायण ऊंची जगह से छलांग मारेंगे, तो यह सारा स्टंट वहां पर होता है दोस्तों, जिससे कि सभी के सभी शॉक्ड रह जाते हैं आदित्य नारायण के इस स्टंट को देखकर। बात करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, तो अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए राजश्री बाग आती हैं, जिन्होंने की 4 बहुत ही खूबसूरत से गाने को प्रेजेंट किया है। जहां पहला गाना तेरे बिना जिया जाए ना, तो वहीं दूसरा गाना भोर भय पनघट पे, और तीसरे गाने की अगर मैं बात करूं तो होठों पे ऐसी बात, और चौथा और आखिरी गाना मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। इन सभी गाने को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में परफॉर्म किया, जिसे कि मेहमान उदित नारायण ने जम के तारीफ की थी। अब बात करते हैं दोस्तों, राजश्री बाग के बाद में हिमेश रेशमिया जी का जबरदस्त तरीके से एंट्री होती है और उन्होंने भी 4 अलग अलग गाने को परफॉर्म करके स्टेज में मानो आग सी लगा दी। जहां उन्होंने पहला गाना सुरूर तेरा इस गाने को परफॉर्म किया, तो वहीं दूसरा गाना जो हाल है तेरा वही हाल है मेरा, और तीसरा गाना हुक्का बार, इस गाने को परफॉर्म किया, और साथ ही साथ चौथे गाने की बात करूं मैं तो तेरी मेरी कहानी, इस गाने को परफॉर्म किया और सभी और बहुत ही खूबसूरती के साथ में परफॉर्म किया। तो सभी परफॉर्मेंस हो जाने के बाद में बारी आती है दोस्तों विनर की और रनरअप के बारे में जानकारी की। तो जैसा कि सभी को वोटिंग्स मिले थे और सारे स्कोरिंग को ध्यान में रखने के बाद में जो फैसला लिया गया, उसमें सेकेंड रनरअप बने हैं दोस्तों, बड़े चौंकाने वाला नाम रहा सरस शर्मा का, जी हाँ। और फर्स्ट रनरअप की अगर मैं बात करूँ तो वह बनी है राजश्री बाग, और विनर के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों तो विनर बनी है नीलांजना रे। तो इस तरीके से सारे गामा पार्ट 2021 का विनर बनी है नीलांजना, तो वहीं राजश्री बाग ने पहला स्थान प्राप्त किया और सरस शर्मा दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि सभी फाइनलिस्ट को 1-1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है, तो वहीं फर्स्ट रनरअप और सेकंड रनरअप रहे सरस शर्मा और राजश्री बाग को 5-5 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है, और विनर बनी नीलांजना रे को कुल 10 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है, और साथ ही साथ मारुति सुजुकी की तरफ से सिलेरियो कार, चमचमाती हुई नई सिलेरियो कार उन्हें गिफ्ट में दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों सारेगामा पा 2021 का रंगारंग प्रोग्राम खत्म हुआ, जिसमें कि हमें मिल चुका है अपना विनर और फर्स्ट रनरअप और सेकंड रनरअप। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि ग्रैंड फिनाले के दौरान में परफॉर्म किए गए सभी कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, और विनर बनी नीलांजना रे के बारे में आप क्या सोचते हैं, साथ ही साथ राजश्री बाग और सरस शर्मा का सफर कैसा रहा वह भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।